नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत भाई आपके अपने चैनल पर। मेरे साथ यानी मनीष जागरण के साथ इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं आदमपुर से। आदमपुर के अंदर चुनाव की जो है गर्मियां बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है, लेकिन इस वक्त की बात की जाए, एक बार भाई पीछे से संदीप भाई एक बार साइड में हो जाए। ये छोटे छोटे बच्चे जो आप देख सकते हैं स्कूली बच्चे हैं, इन बच्चों के हाथ में आज के समय अगर बात की जाए तो किताब होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए। बात करी जाओ बीजेपी सरकार की, सबसे बड़ा दावा जो करती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन इस बात को आप देख सकते हैं कितनी बेटी पढ़ाई जाती है कितनी बचाई जाती है। आपके सामने का आज नज़ारा आप देखने लग रहे हो भाई साहब। राम राम। राम राम। क्या कुछ मामला आज पूरा है, क्यों आज तहसील के अंदर आपने यहाँ बच्चों के साथ आना पड़ा? पहली बार इस देश में सरकार आई है कि स्कूलों ने बंद करण लग रही है। नहीं, पहले हमने यह देखा था कि जो सरकारें होती थी वे स्कूल खोले कर दी, कॉलेज खोले कर दी, यूनिवर्सिटी खोले कर दी। पहली बारी देश में मोदी सरकार स्कूलों ने बंद करने लग रही है, स्कूलों ने मर्ज करके और स्कूलों में पोस्ट खत्म करने लग रही है। आदमपुर हल्के के 5 गांव में इलेक्शन है, उपचुनाव है, यह बताना चाहता हूँ कि 5 गांव में धरने चल रहे हैं 40 दिन आता है कि 8-8 साल की बच्चियां आपके स्कूलों ने बचाने खातर स्कूलों का आगे बैठी है, स्कूलों का आगे धरने लगाए बैठी है। जड़े 10 मास्टर थे उड़े 2 रह गए, जड़े 5 मास्टर थे उड़े 1,84 रह गया। कड़ी प्रिंसिपल की पोस्ट कैप्ट कर दी, कड़ी अध्यापक मैथ की पोस्ट कैप्ट कर दी, कड़ी विज्ञान का अध्यापक की पोस्ट कह गए। मोहब्बतपुर के सरकारी स्कूल में 163 बालक थे तो भी न्यू कह दिया बालक का मैं मर्ज कर दिया, लोग लड़े तो वो कैंसिल करे, दोबारा स्कूल खोलने लग रहे हैं। लेकिन आज भी 4 गांव के स्कूल ही से हैं जिनमें 10 की जगह 2-2 अध्यापक हैं। इन बच्चियां का परेशानी है, इन बच्चियां ने पेपर दिया जब बेरा लग गया कि पढ़ाई में कितना बड़ा नुकसान होने लग रहा है। आज ये 4-5 गांव की बच्चियाँ आ रहे हैं तहसील पर प्रदर्शन करने के लिए आए, वह ज्ञापन देकर गई है तहसीलदार साहब ने कि हमारे स्कूलों में अध्यापकों की कमी को पूरा किया जाए। अगर बात की जाए, अब चुनाव का समय है और वोटों का टाइम पर तो ये सारी मांग मैंने लग रहा है, लेकिन आज भी जो है चुनाव प्रचार एक साइड में चलने लग रहा है और आपके धरने प्रदर्शन एक साइड में चलने लग रहे हैं। पिछले 10-8 साल तक जब तक बीजेपी सरकार आई है, इस देश का किसान मजदूर कर्मचारी अध्यापक गरीब तो ये छोटी बच्चियाँ सड़कों पर बैठे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन करने लग रहे हैं। मैंने तो यह नहीं समझ मानती किस तरह बेशर्मी तय बीजेपी वाले लोग वोट मांगने चले जाएंगे। शिक्षा मंत्री दी आड़े का प्रभारी बनाया है, शिक्षा मंत्री कुकर जाएगा लोगों की कह दे कि मारती वोट दे दो रहे, किस तरह बहुत बात करेंगे कि मारती वोट दे दो। जब पोस्ट खान लायक रहे हो, बालका ने प्रदर्शन करने लायक रहे तो डूब मरो, तम डूब के मरने की बात है कि बालका ने प्रदर्शन करने लायक रहे हैं और आप चुनाव प्रचार में बिजी हैं। लोग जूते मारेंगे, लोग सवाल पूछेंगे कि हमने मुआवजा की आंबर ही थी 2020 का मुआवजा कौन दिया आंबर का, आज एक महीना हो गया धरना पै के गया था छाती चोरी करके मैं मुआवजा दुआऊंगा, दिया दिया मुआवजा। 2021 का मुआवजा का नाम ली, 2022 में किसानों की फसल टोटल की टोटल साफ होगी, जल भराव का कारण स्पेशल गिरदावरी की बात करें तो आज गिरदावरी शुरू भी कौन हुई। इसीलिए इस लड़ाई को, इस आदमपुर हल्के की लड़ाई को एक लहर आज तहसील तक उठेगी और यह लहर बीजेपी ने लेकर बैठेगी सलक में। बीजेपी हारने लग रही है, आम जनता किसान मजदूर नौजवान बीजेपी ने हराने के लिए वोट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।